पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर की 1v1 पोकेमॉन बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर एश का पिकाचू रैचू के वोल्ट टैकल को डॉच कर लेता है, जिसके चलते रैचू वॉल पर जाकर टकरा जाता है और फिर पिकाचू भी उसके ऊपर वोल्ट टैकल का यूज कर देता है, जिसके चलते रैचू काफी वीक हो जाता है और वो वापस खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और इवॉल्व हो जाता है गोरुचू में। इसके बाद वो अपने नए अटैक यानी कि अल्ट्रा वोल्ट टैकल का यूज करके पिकाचू को काफी वीक कर देता है और वो फिर दोबारा इसी अटैक का यूज करता है। अब आगे एश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए, बट उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था, गोरुचू उसके पास आते जा रहा था। इसलिए एश बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रो वेब अटैक का यूज करो, जिससे गोरुचू काफी हद तक स्लो हो जाएगा और फिर इस अटैक को डॉज कर लो। पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का यूज करता है, बट अल्ट्रा वोल्ट टैकल इतना ज्यादा पावरफुल था कि इलेक्ट्रो वेब अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। पर लास्ट में पिकाचू एजिलिटी अटैक का यूज करके लकीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है, जिसके चलते एश राहत की सांस लेता है। पर तभी गोरुचू अपना डायरेक्शन मोड़ लेता है और वो अल्ट्रा वोल्ट टैकल को रोकता नहीं है, बल्कि वापस से पिकाचू की तरफ आ रहा होता है उस अटैक को यूज करने। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं गोरुचू बहुत बढ़िया, हमें बिल्कुल इसी तरह खेलना है और एश को कोई भी मौका नहीं देना है कमबैक करने का। गोरुचू काफी तेजी से एश के पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। एश बोलता है पिकाचू वापस से एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो अगेन गोरुचू के अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है, बट गोरुचू दोबारा से अपना डायरेक्शन मोड़ता है और वापस से एश के पिकाचू की तरफ अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि पोकेमॉन मास्टर और गोरुचू दोनों ही पिकाचू और एश को आराम करने का टाइम नहीं देना चाहते थे, वो पूरी तरह से अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा करना पोकेमॉन मास्टर के लिए सही भी हो सकता है और गलत भी। इतनी देर तक अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज करने से गोरुचू थक सकता है, वहीं पर दूसरी तरफ पिकाचू इसको एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो अटैक को डॉज कर रहा है, जिसमें उसकी ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है। बट अगर एक बार गोरुचू का अल्ट्रा वोल्ट टैकल पिकाचू के ऊपर लग जाता है तो डेफिनेटली इसमें पोकेमॉन मास्टर का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पिकाचू ऑलरेडी वीक है। एंड अगर ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है तो डेफिनेटली पिकाचू ये बैटल हार जाएगा और पोकेमॉन मास्टर अपने पोकेमॉन मास्टर टाइटल को डिफेंड कर लेंगे। तो देखते ही ये बैटल किस तरफ जाती है। पोकेमॉन मास्टर का गोरुचू अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज करने पिकाचू के पास पहुंच जाता है। एश बोलता है पिकाचू अभी इस अटैक को डॉज करके कोई भी फायदा नहीं है, अपने फुल पावर का यूज करके वोल्ट टैकल का यूज करो। किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि एश ने अल्ट्रा वोल्ट टैकल के सामने वोल्ट टैकल यूज करने कैसे बोल दिया अपने पिकाचू को, जबकि उसके सामने ही पिछले बार पिकाचू बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फेल हुआ था अल्ट्रा वोल्ट टैकल के सामने। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि इसका मतलब मैं ये बैटल जीत चुका हूँ। वोल्ट टैकल और अल्ट्रा वोल्ट टैकल दोनों ही टकरा जाते हैं, पर जैसा सबने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इस बार अल्ट्रा वोल्ट टैकल पूरी तरह से वोल्ट टैकल को ओवरपावर नहीं कर पाता और दोनों अटैक बिल्कुल टक्कर के लग रहे होते हैं, जिसको देखकर पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से स्टन रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि यह कैसे पॉसिबल, एक पिकाचू का वोल्ट टैकल एक गोरुचू के अल्ट्रा वोल्ट टैकल का मुकाबला कर रहा है, ये तो अनबिलीवेबल है। एश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अपनी पूरी पावर का यूज कर दो इस वोल्ट टैकल में। पिकाचू अपने वोल्ट टैकल का यूज करके टक्कर तो दे रहा था, बट फिर भी वो धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश होते जा रहा था, यानी कि अभी भी गोरुचू का अल्ट्रा वोल्ट टैकल स्लाइटली एश के पिकाचू के वोल्ट टैकल से ज्यादा पावरफुल था। बट पिकाचू भी हार नहीं मानता है, वो अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर देता है और अपना पूरा जोर लगा देता है, जिसके चलते वो पीछे जाना बंद कर देता है और अचानक से एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। अब पिकाचू के जगह पर गोरुचू पीछे होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वोल्ट टैकल ने अल्ट्रा वोल्ट टैकल को ओवरपावर कर दिया था। पिकाचू अपनी आखिरी लिमिट तक चला गया था, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और तब एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरे के पूरे स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी भर जाती है और हर तरफ स्मोक हो चुका था, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। इससे दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि पोकेमॉन मास्टर और एश भी अफेक्ट हो चुके थे, वो नीचे गिर जाते हैं और वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। कुछ टाइम तक किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। लगभग 15 मिनट बाद अब वहां से सारा स्मोक हट जाता है और सब कुछ साफ साफ दिख रहा था और वहां पर पिकाचू और गोरुचू अभी भी बैटलफील्ड में खड़े हुए थे, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स नहीं हारे थे। बट वहां पर एक काफी वियर्ड सीन देखने को मिलता है, पिकाचू नॉर्मल नहीं दिख रहा था बल्कि उसके ऊपर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थी, साथ में थंडर वेव्स भी थी। एश और पोकेमॉन मास्टर वापस से खड़े हो जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। बैटल में थोड़ा ब्रेक होता है और फाइनली वापस से बैटल कंटिन्यू हो जाती है। गोरुचू और पिकाचू दोबारा से पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। पोकेमॉन मास्टर अपने गोरुचू को थंडर यूज करने बोलते हैं, वहीं पर एश भी अपने पिकाचू को थंडर यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन थंडर का यूज कर देते हैं, बट यहाँ पर एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पिकाचू एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करता है, जो कि गोरुचू के थंडर से टकराता है और वो उसको पूरी तरह से ओवरपावर करते हुए गोरुचू के ऊपर लग जाता है, जिससे गोरुचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पोकेमॉन मास्टर इसको देखकर शॉक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई पोकेमॉन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर यूज करना किसी भी पोकेमॉन के लिए इम्पॉसिबल है। आखिर पिकाचू ने इसको कैसे यूज किया है? इससे गोरुचू को काफी डैमेज पड़ा था और वो जमीन पर गिर गया था,
पोकेमोन मास्टर बोलते हैं गोरोचू क्या तुम ठीक हो। गोरोचू अपना सर हिलाता है और वापस से खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। इसके बाद पोकेमोन मास्टर अपने गोरोचू को क्विक अटैक यूज करने बोलते हैं। वहीं पर ऐश भी अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट पिछले बार के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर गोरोचू का क्विक अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिसके चलते पिकाचू को डैमेज पड़ता है। गोरोचू के इवॉल्व होने के बाद शुरू में गोरोचू डोमिनेट कर रहा था, बट अब दोनों ही पोकेमोन नेक टू नेक आ चुके थे। पिकाचू ने गोरोचू की बराबरी कर ली थी। मिस्टी बोलती है कि अगर रायचू गोरोचू में इवॉल्व नहीं हुआ होता तो ये बैटल इतनी लंबी नहीं जाती और अभी तक पिकाचू ने काफी इजीली रायचू को डिफीट कर दिया होता। साइना बोलते हैं कि मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा है, ऐश का पिकाचू गोरोचू के साथ भी काफी अच्छी बैटल कर रहा है। देखते हैं कि बैटल का रिजल्ट क्या होता है। इसके बाद पोकेमोन मास्टर अपने रायचू को वाइल्ड चार्ज अटैक यूज करने बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक था, जिसके चलते गोरोचू पिकाचू के पास बढ़ रहा होता है। इसके काउंटर में ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट अगेन वही चीज होती है जो कि एक्सप्लोजन के बाद पहले अटैक में देखने को मिली थी। यहाँ पर पिकाचू का वोल्ट टैकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था एक नॉर्मल वोल्ट टैकल से, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जिसके चलते वो गोरोचू के वाइल्ड चार्ज को ओवरपावर कर देता है और गोरोचू काफी तेजी से पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिसके चलते उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसको देखकर मैथ्यू और मिशेल पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि ऐश कोई चीटिंग कर रहा है, वरना पिकाचू के अटैक इतने पावरफुल हो ही नहीं सकते हैं। मैथ्यू और मिशेल के भाई भी इस बात पे एग्री करते हैं। मिस्टी ब्रॉक से पूछती है कि आखिर ऐश के पिकाचू के अटैक इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के पिकाचू के अटैक पावरफुल नहीं हुए हैं, बल्कि ऐश के पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक पावरफुल हो गए हैं। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ऐश के पिकाचू के थंडर और वोल्ट टैकल दोनों ही नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहे थे। बट वहीं पर इन दोनों अटैक के बीच में ऐश के पिकाचू ने क्विक अटैक यूज किया था, जो कि गोरोचू के अटैक से वीक था। मेरे अकॉर्डिंग वोल्ट टैकल और अल्ट्रा वोल्ट टैकल में जो क्रैश हुआ था, उसके चलते पिकाचू के बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ चुकी है और इसी के चलते पिकाचू के अटैक नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। मिस्टी और सैना भी इस बात से एग्री करते हैं। अब पोकेमोन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। गोरोचू भी काफी वीक हो चुका था और जमीन पर गिर गया था। पोकेमोन मास्टर बोलते हैं गोरोचू अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, चलो अपना एक फाइनल अटैक ट्राई करते हैं। अपनी पूरी पावर से अल्ट्रा वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। गोरोचू वापस उठ जाता है और अपनी पूरी पावर लगा के अल्ट्रा वोल्ट टैकल यूज कर देता है। वहीं पर ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। पिकाचू अपना सर हिलाता है और अपने पूरे पावर का यूज करके वोल्ट टैकल का यूज कर देता है। ये दोनों अटैक इससे पहले दो बार टकरा चुके थे। पहली बार ये पिकाचू के ऊपर ज्यादा डैमेज देता है, दूसरी बार ये लगभग इक्वल होता है और किसी भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता है, और अब ये अटैक तीसरी बार टकराने जा रहा था। दोनों ही पोकेमोन अपना बेस्ट देते हैं और फाइनली एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं इस अटैक को यूज करने के लिए।